दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मणों की, यानी कि ऐत्रेय और कौशिकी की। कौशिकी को शाखायन भी कहा गया है और इसी प्रकार अनेकों सवाल इन दोनों ब्राह्मणों से, दोनों ब्राह्मणों की विषय वस्तु से संबंधित हैं, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में भी काफी सारे सवाल मैंने संकलित करके इस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। उस पीडीएफ का आप प्रिंट लें और उसको आप आराम से पढ़ें। अध्ययन सामग्री आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लास्ट तक तो आपको वहां कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं अन्य वीडियो में या किताबों में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को समझने के लिए आइए मेरे साथ चलिए क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण है और उसी दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा क्योंकि सवाल उसी हिसाब से आते हैं। फिलहाल ऋग्वेद के दो ब्राह्मण मैंने आपको बताए थे, ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी को शाखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। अब यहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण का डिटेल देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है या किस शाखा से संबंधित है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो शाकल शाखा से संबंधित है। ऋग्वेद की किस शाखा से संबंधित है? शाकल, क्योंकि इसकी शाखा है शाकल और वाष्कल, ध्यान होगी आपको। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो शाकल शाखा से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। अच्छा, अब ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल अध्याय अपन देखें तो वो है 40। ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ फिगर्स। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 40, है ना। अब हुआ क्या है, इन 40 अध्यायों को 5-5 करके पंचिकाओं में विभाजित किया गया है, है ना। इन 40 अध्यायों को 5-5 करके पंचिकाओं में विभाजित किया है तो पंचिकाओं की संख्या कहीं मिलती नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से 8×5=40 8 होनी चाहिए। मैंने यहां 8 लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना, गलत नहीं है। अगर आपको ये फिगर कहीं भी डाउटफुल लगे तो ये फिगर कहीं है नहीं, आप इसको याद मत करना, लेकिन पंचिकाओं में बांटा गया है और 5-5 के अध्यायों में, ये चीज कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगला अपन देखें कंटेंट, कंडिकाएं। जो पंचिकाएं हैं वो कंडिकाओं में बटी है, पंचिकाएं जो हैं वो बटी हुई है कंडिकाओं में। ये अध्याय जो है पंचिकाओं में क्या है? अध्याय। अध्याय बटे हुए हैं कंडिकाओं में, कंडिकाओं की संख्या है 285। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कंडिकाओं की संख्या कितनी है? वो है 285। इस प्रकार आप इनको याद करें। अब बात करेंगे कि आखिर ऐत्रेय ब्राह्मण जब बना तो किसने लिखा? देखो लिखने वाला तो कोई नहीं है, किसी को पता नहीं कोई चीज कहां से इकट्ठी की है, कोई चीज कहां से इकट्ठी की है। ब्राह्मणों में इसी प्रकार की चीजें मिलेंगी, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो इन सब चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे कि इस YouTube चैनल का संकलन करता मैं हूं, मैंने सामग्री अलग अलग जगह से लेकर के आपको बताई है। तो उसी प्रकार महिदास ऐत्रेय थे जिन्होंने ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के लिए विभिन्न स्थानों से, विभिन्न ग्रंथों से सामग्री संकलित की। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता का नाम पूछे तो आपको याद होना चाहिए महिदास ऐत्रेय, है ना, महिदास ऐत्रेय। अब इसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है ये, या फिर सवाल आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण मुख्य रूप से संबंधित है सोमयाग से। देखो देवताओं की स्तुति किया करते थे और इंद्र की स्तुति काफी ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी और इंद्र को जो है सोमरस प्रसिद्ध था, तो सोमयाग ही सब कुछ था, उसके इर्द गिर्द ही सारी अर्थव्यवस्था और धार्मिक तंत्र घुमा करता था। तो मुख्य संबंध ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण का सोमयाग से है, ठीक है। अगली चीज, जब बात आती है विभिन्न भारतीय जातियों की तो तात्कालिक रूप से भारत में जितनी भी जातियां थी उन सबका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। तो भारतीय जातियों का उल्लेख कहां मिलता है आपको? ऐत्रेय ब्राह्मण में।
साथ ही साथ तीन ऋणों का उल्लेख भी मिलता है, सविस्तार वर्णन मिलता है। तीन ऋण देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन ऋण है। इन तीन ऋणों में इनसे उऋण होने का या ऋण चुकाने का तरीका जो बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, वो है पुत्र उत्पत्ति। यदि आपके पुत्र हो जाता है तो आप इन तीन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं देव ऋण से उऋण होने का तरीका जो बताया गया है वो बताया गया है अतिथि की सेवा और यज्ञ आदि करना, पितृ ऋण यानी कि पुत्र प्राप्ति, ऋषि ऋण यानी यज्ञ आदि करना और पठन पाठन, इस प्रकार से इनसे उऋण हुआ जा सकता है। लेकिन बात करें जहां ऐतरेय ब्राह्मण की, ऋग्वेद की, तो तीन ऋण देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इनसे मुक्त होने का तरीका पुत्र उत्पत्ति ही बताया गया है, यानी कि एक ही तरीका बताया गया है। अब बात करेंगे इसके शून्यक्षेप आख्यान और हरिश्चंद्र उपाख्यान की। तो सवाल ये आता है कि प्रसिद्ध हरिश्चंद्र उपाख्यान या शून्यक्षेप उपाख्यान किससे संबंधित है, तो वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ आधुनिक विद्वानों ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की ताकि इन ग्रंथों को भारतीय लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि संस्कृत हर किसी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मैं भी इसीलिए कोशिश करता हूं सीखने की। तो जिनको हिंदी आती है उनके लिए काम आसान करने वाले थे कौन, अपने एक आचार्य गंगा प्रसाद उपाध्याय, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण का हिंदी में अनुवाद किया। तो सवाल रट लें, ऐतरेय ब्राह्मण का हिंदी में अनुवाद करने वाले आचार्य का नाम बताइए, तो नाम है आचार्य गंगा प्रसाद उपाध्याय। अब सवाल आ जाए, मान लो कि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम अनुवाद किसने किया, भाषा का जिक्र इंग्लिश है पर है नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम अनुवाद किसने किया, वो थे मार्टिन हॉब 1863 में। तो ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम अनुवाद करने वाले मार्टिन हॉब 1863 में, और ऐतरेय ब्राह्मण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कीथ दूसरे विद्वान थे, 1920 में इन्होंने किया। लेकिन ये स्पष्ट है कि कीथ ने अंग्रेजी भाषा में इनका अनुवाद किया। तो ये सवाल आपके ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित हो गए। अब इसका दो ब्राह्मण मैंने आपको बताए थे ऋग्वेद के, पहला ऐतरेय, दूसरा बताया था मैंने आपको कौशीतिक, कौन सा था, कौशीतिक है ना, या जिसको अपन क्या कहते हैं, शाखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शाखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक। तो इसके दोनों नाम ध्यान रखो, कौशीतिक की और शाखायन ब्राह्मण भी अपन कहते हैं। तो ऐतरेय अपन ने पढ़ लिया है ना। अब अपन बात करते हैं कौशीतिकी की, शाखायन की, जो कि ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है, ठीक है। अब देखो इस ब्राह्मण में क्या है कि इसका जो संबंध है वो ऋग्वेद की वाष्कर शाखा से संबंधित है। तो कौशिक की ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद की किस शाखा से संबंधित है, ये वाष्कर शाखा से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करेंगे अपन इसके अध्यायों की। तो इसके प्रथम 30 अध्याय जो है ना, ऐतरेय के प्रथम 30 अध्यायों में विषय की दृष्टि से समान है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय थे, उसके प्रथम जो 30 अध्याय हैं वो अध्ययन की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से क्या है, समान है। तो अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा कि इस ब्राह्मण में कुल अध्याय कितने, इसमें अध्याय कितने हैं वो माने जाएंगे 30। ये 30 क्या है, इसके कौशिकी की शाखा के अध्याय हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात कि ये जो संहिता है वो नष्ट हो चुकी है, अपने पास फिलहाल ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो अध्याय है इनको किसमें विभक्त किया गया है, कांडों में। अध्यायों को किसमें विभक्त किया गया है, कांडों में। तो कांडों की संख्या कांड या कहीं कहीं क्या कहा गया है, खंड है ना, कांड या खंड। तो खंडों की संख्या अपन देख लेते हैं। कौशिकी की भाष्कर शाखा संबंधित है, इसमें 30 अध्याय हैं,
अध्यायों को खंडों में विभक्त किया गया है और खंडों की संख्या अपन को मालूम होनी चाहिए। कितनी है? मैंने लिख दिया है फिगर 226। तो ऋग्वेद के कौशिकी ब्राह्मण के खंडों की संख्या 226 है और साथ में इसके अध्याय की संख्या है वो है 30। प्रथम 6 अध्याय है ना, प्रथम 6 अध्याय, प्रथम 6 अध्याय। इसमें क्या बताया गया है? पाप यज्ञ। तो इसके प्रथम 6 अध्याय में किस चीज के बारे में बताया गया है? पाप यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या आता है? अग्निदान, अग्निहोत्र, दस पौन मास और ऋतु यज्ञ आदि आते हैं। बाकी जो शेष अध्याय है 6, 30 - 6, 24 अध्याय बचे। बाकी जो 24 अध्याय है, इन 30 अध्यायों में पूर्ण में ऐतरेय शाखा से संबंधित सामग्री भी है, लेकिन प्रथम 6 अध्याय में पाप यज्ञ बताया गया है। अब अंतिम जो 24 अध्याय है उनमें ऐतरेय शाखा से संबंधित सामग्री मिलती है, उसकी प्रचुरता मिलती है। क्या मिलती है? प्रचुरता मिलती है। तो अब प्रचुरता उसमें किसकी थी? सोम यागों की। किसकी थी? सोम याग की। तो बाकी जो 24 अध्यायों में क्या मिलता है आपको? सोम याग का ही वर्णन मिलता है, क्योंकि ऐत्रेय में प्रचुरता सोम याग की थी। मैंने लिखा भी था कि ये संबंधित किससे है? सोम याग से। ठीक है, 6 और 24 इस प्रकार इसके 30 अध्याय हो गए। अच्छा, ऋग्वेद का कौशिकी जो ब्राह्मण है या शाखा है ब्राह्मण है, यही वो पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद की कौशिकी शाखा या शाखा है ब्राह्मण है, यही वो पहला ग्रंथ है जहां सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले रुद्र को सर्व श्रेष्ठ बताया गया है। कौशिकी शाखा में ही या शाखाएं शाखा में ही रुद्र यानी भगवान शिव है ना, उनको श्रेष्ठ बताया गया है। रुद्रो भाई ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ अच्छा देवानाम, देवताओं में रुद्र ही ज्येष्ठ है यानी कि सबसे बड़े हैं। रुद्र ही श्रेष्ठ है, रुद्र भी श्रेष्ठ है ना, रुद्र ही श्रेष्ठ है। सबसे पहले कहाँ आया सवाल देखो, ये महत्वपूर्ण जाता है आईएएस जैसे एग्जाम के लिए कि सबसे पहले रुद्र को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहाँ बताया गया है? जवाब होना चाहिए ऋग्वेद की कौशिकी ब्राह्मण या शाखायन संहिता में या शाखायन ब्राह्मण में बताया गया है। अच्छा, इसमें एक सवाल ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखो दो देवता थे है ना, दो देवता थे, कौन कौन से? अग्नि एक तो है ना, दूसरे कौन से थे? विष्णु। एक तो थे अग्नि, दूसरे थे अपने विष्णु। अब हुआ क्या, समय बदलता है, एक ग्रंथ लिखा गया, कुछ साल बाद दूसरा ग्रंथ लिखा गया, तो वहां प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं बदल गई। अग्नि देवता हो गए गौण जो कि पहले मुख्य थे, और विष्णु हो गए मुख्य। ठीक है ना, विष्णु देवता हो गए मुख्य, तो अग्नि हो गए गौण, विष्णु देवता हो गए मुख्य। तो कौशिक की शाखा वो शाखा है, कौशिक ब्राह्मण वो ब्राह्मण है जिसमें अग्नि को गौण और विष्णु को मुख्य देवता माना गया है, विष्णु को प्रधान स्थान मिलने लगा। यही वो काल है, यही वो काल है जिसमें मांस भक्षण का विरोध होने लगा या उसको बुरा माने जाने लगा। इससे पहले का काल जो था काफी प्राचीन था, काफी पौराणिक था, लोग कच्चा मांस भी खाते थे, भुना हुआ मांस भी खाते थे, लेकिन मांस भक्षण की निंदा या विरोध कहीं नहीं होता था। ऋग्वेद का ये कौशिकी ब्राह्मण वाला काल, शाखायन ब्राह्मण वाला काल आते आते वो स्थितियां बनी कि मांस भक्षण के विरोध में लोग आकर के खड़े हुए। तो मांस भक्षण का सबसे पहले विरोध कहां मिलता है? कौशिकी ब्राह्मण में मिलता है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहां? पीडीएफ में, इसके नीचे इसका लिंक दिया होगा वीडियो के नीचे, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें और ये बताते रहें कि आगे इस तरह के वीडियोस किस प्रकार बनाने हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको किसी इससे भी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।